बहराइच में पकड़े गए 5 आदमखोर भेड़ियों के बाद अब आदमखोर भेड़िया एक बचा है, जिसको लेकर लोग अलग अलग बातें कर रहे हैं। कोई लंगड़ा भेड़िया तो कोई अल्फा सरदार नाम दे रहा है। लंगड़े भेड़िए वाली बात को खारिज करते हुए बहराइच DFO अजीत प्रताप सिंह ने बताया है, ऑपरेशन भेड़िया के दौरान एक दिन खेत में चलता हुआ भेड़िया दिखाई दिया और वह ढपक कर चल रहा था, जिसको लोगों ने लंगड़ा भेड़िया समझकर खूब अफवाह फैलाई। लेकिन वास्तव में भेड़िए के खेत में ढपक कर चलने का कारण खेत की गीली मिट्टी थी, जिस कारण मिट्टी में बार बार उसका पैर धंस रहा था। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वह लंगड़ा हो, लेकिन जैसे ही वह दूसरे सूखे खेत में पहुंचा, वह सही चलने लगा। वास्तव में वह लंगड़ा भेड़िया था ही नहीं। ये तो सर लंबे समय से एक चर्चा ये बनी हुई है कि लंगड़े भेड़िया क्या है, इसका चैप्टर? नहीं, लंगड़ा भेड़िया का चैप्टर तो ये है कि वो है ही नहीं है। जो है ही नहीं उसका क्या चैप्टर होगा? कैसे ये सीन क्रिएट हुई, कैसे थोड़ा इसको वही धान के खेत में, दो गन्नों के बीच में धान का खेत था, तो क्योंकि प्रत्यक्षदर्शी एक जगह हमें भी था, इसलिए मैं बता रहा हूँ क्लियर, क्योंकि हम खुद भी ऐसा देखें उसको चलते हुए। तो गन्नों खेत में धान का खेत था, तो धान के खेत में पानी भरा था। वो एक गन्ने से दूसरे गन्ने में जाने के लिए धान का खेत का रास्ता अपनाया। वो धान का खेत में पानी भरा था, वो धंस रहा था उसका पैर, तो पैर धंस धंस के चल रहा था, उसको निकाल निकाल के पैर हैं, तो उसको लग रहा था जैसे कि वो कुछ लंगड़ा है, कोई पैर लंगड़ा है उसका, वो मतलब ठीक से। लेकिन बाद में जब और तरीकों से उसको देखा गया, सामान्य भूमि पर देखा गया, तो पूरा बढ़िया एकदम नॉर्मल चाल थी उसकी, तो इसी से पता चला कि वो कोई लंगड़ा भेड़िया नहीं है। वो धसान की वजह से उसके पैर में थोड़ा सा लग रहा था कि लंगड़ा है, सब वास्तव में लंगड़ा कोई भेड़िया नहीं है।